और उनका माथा की माला फिर आशीष की माला पहन ले जा। अब यह बात केवल मालन और देवी दोनों को पता, तीसरे को किसी को पता नहीं है कि क्या घटना घटी। अब बगड़ा बदन तो अपनी मौज मस्ती में राणा जी के बाग में है। वहां से नौकर आया, नौकर ने कहा कि चलो आपके राणा जी कचहरी में बुलावे। उसी समय चौबीसी भाई अपना अपना हाथी घोड़ा पे सवार होकर के और राणा जी की कचहरी में गए। तो भरी कचहरी बांका राव की बैठा बड़ा बड़ा जमींदार जागीरदार। तो गढ़ मारोट का गोड़ बैठा, भीलवाड़ा का, भील भाटी, जैसलमेर का, फिलोदा का, कुमार हरमड़ा का, जान दया सामंत सामानेर का सरदार, ऐसा सब लोग बड़ा बड़ा लोग वहाँ विराजमान। अब जिनका सामने ये चौबीसी भाई बगड़ावत भी पहुंच गए। अब जब बगड़ावत पहुंचा तो राणा जी ने देखी कि तो ये भी कोई अस्थि वाला लोग है, ऐसा नहीं है। क्यों कि जिनका कान में पांच पांच तोड़ा की एक एक मोहर लटकी रही है, गला में हार लटकी रहा सोना का, हाथ में कड़ा, पैसा वाला लोग है। उसी समय राणा जी तक छोड़ करके उठे और उठ करके अपना सिर की जो पागड़ी थी सभी भोज को पहना दिया और सभी भोज का मस्तक पे जो सेहरा था उठा करके अपने मस्तक पे रख लिया। मतलब पागड़ी बदल भाई, माला बदल भाई का व्यवहार बन गया। अब भाई भाई का व्यवहार बना, गले मिल गए। उसी समय राणा जी ने कहा हम तो ठाकुर हैं, दरबार है और हमारे तो प्यालो अरे प्याला की मनवा रहे प्यो। उनने कहा कि हम हाथ में लगाओ प्याला प्याले। बोले क्यों? बोले कि हम गौ माता की सेवा करा और गौमुखी में रखा हाथ, भगवान का भजन करा। गौ माता की सेवा करा, गौमुखी में रखा हाथ और हमारा घरे भगवान शिव जी धूनी तापे उनका चेला, हम दारू वारू के हाथ में लगा। उनने कहा यार काम करो फिर कहीं भोजन बनावा, वेज बनावा का नॉन वेज। बोले हाँ नाम मत लो काय को भी, सादो भोजन करावा। बोले चलो बाग में। अब राणा जी बगड़ावतों को बाग में ले गए हैं और बाग में जाकर के अपने इष्ट मित्र को बुलाया है और सभी सरस भोजन बन रहा है और राणा जी बगड़ावतों की मनवार करे और दाल बापला चावल बने हैं और कैसी मनवार। अरे घना दीना आया रे पामना, घना दीना आया है पामना, कई का राम वार
We'll be right back.
भोजन शाला से सतरज भोजन करवाया और भोजन करवावा का बाद में आज जैसे ही यहाँ राणा जी की मनवार करने के लिए देखो संगत से गुण उपजे रे संगत से गुण गौ माता की संगत करी थी तो भगवान के बेकुंठ दिखा दिया। अब राणा जी की संगत कर ली तो राणा जी की संगत के कारण बगड़ावतों के मन में विचार आया कि आपन राणा जी की दारू की मनवार कर तो संगत से गुण उपजे और संगत से ही जाए। अब जब संगत करी गाय माता की तो बेकुंठ मिला भगवान मिल गए और आज जब राणा जी से सोचती हुई संगत करी है ना तो दारू लेवा चली पड़े है ना। जैसे अभी अपना गांव में एक पानी की बाल्टी लेने बेचवा जाओ कोई भी नहीं लेगा नहीं लेगा और अगर उन्हीं बाल्टी में दो पांच लोटी उन्हीं दूध की बाल्टी में पानी की बाल्टी लाइन बेचवा जाओ कोई नहीं लेगा और अगर उस पानी एक केन में डाल दो तो दूध का भाव भी की जाएगा। क्यों? कि उन्हें दूध की संगत करी तो दूध की संगत से पानी भी बिकी। एक बार अने दो हाथ में झगड़ो यो उनने की अगर सगड़ा काम अच्छा काम यो करे तो फिर मारे बनावा की जरूरत कहीं थी क्यों बनायो भगवान से की उनने की के भाई थारे भी कभी उधार करनो है तो तू भी कोई अच्छा आदमी की संगत कर ले रिटर्न है ठीक से यो बक्सवाई वही कर लो थोड़ा बहुत दिखे चाहे बाबूदा का पाछे दे रियो थोड़ा यहीं केडो मेडो कर तो जैसे ही उनने क्यों दो हाथ लड़ी रहा था उनने की क्या लड़े मत थारे भी कभी तीर्णो हो थारा भी संसार से पार उतरन हो तो कोई अच्छा आदमी की संगत कर ले तो फिर कहाँ करी यानी आपने संगत कहाँ करी बताओ निया कहाँ करी हाँ अनि हाथ ने संगत करी चन्ना पद लेती बगत है का नीचे आई जा थारो भी उतार हो जाए प्रसाद लेती बगत है का नीचे आई जा तो थारो भी उतार हो जाए तो संगत से उतार हो जाएगा। तो यदि आप में कोई अच्छा ही नहीं हो लेकिन कोई अच्छा व्यक्ति है उसकी संगत करने लग जाओ तो आपका भी अच्छा हो जाएगा। तो आज जैसे ही यहाँ बगड़ावतों ने राणा जी की संगत करी भगवान का भक्त है लेकिन संगत से भी बिगड़ जाते हैं। अब पानी की संगत से दूध की संगत से पानी बिकी जाए और उज दूध अगर नींबू की संगत कर ले तो छार छार हो जाए क्या नहीं दूध को आगो केन भरियो रो टंकी भरी रो और एक नींबू नीचे दो पूरा दूध के छार छार कर दे तो एक बुरा व्यक्ति पूरे गांव को छार छार कर देता है करेगा नहीं वह बदबू फैलाता रहता है बस उसका काम है इधर की उधर और उधर की इधर झोंकना लड़ाना झगड़ाना आपस में मरवाना उसका यही काम है मतलब पूरे गांव में तितिर बितिर कर देगा। एक अगर एक के जिमुआ नहीं जावा देगा एक से एक बोलवा नहीं देगा क्यों कि खटास डालना है नींबू का काम है। तो आज जैसे ही राणा जी की संगत बगड़ावतों ने करी तो दोस्ती के खातिर कलालन के घर चले गए और पातू कलालन के घर जाकर के बगड़ावतों ने कह दिया कि कलालन चेला या भोलानाथ का थारा जाग्या कर कलाल ये दारू को मारे भाव बता दो अरे पातूड़ी रे कला I'm not afraid.
राम 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 राम